ये शांति की बातें होती हैं, अमेरिका की तरफ से स्पोक्सपर्सन कहते हैं कि जी भारत से बड़ी उम्मीद है, मोदी जी से उम्मीद है, और उसके कुछ घंटों पहले ही नए एडवांस हथियार यूक्रेन को सप्लाई कर देते हैं। दीपक जी, तो ये कौन सी शांति चाहते हैं वो, और शांति चाहते भी हैं या नहीं चाहते? एक इसका मैं जवाब देता हूँ फॉरेन सेक्रेटरी साहब, विद योर परमिशन बिफोर फॉरेन सेक्रेटरी साहब बोलेंगे। एक चीज मैं इतना कहना चाहता हूँ मैम, वो जो वॉशिंगटन में बुजुर्गवार बैठे हैं, उम्मीद है कि नवंबर में वो चले जाएंगे वहां से, अगर उनमें, अगर बात सुन रहे हैं आप में दम है, तो वो बेगिंस्की, वो जो यूक्रेन का जोकर है, उसको बोल दो फॉरगेट अबाउट नेटो, नहीं आएगा तू नेटो में, क्योंकि रूस ने क्या कहा है कि अगर तुमने कुछ किया, ये F-16 यहां वहां बिठा दिया, मैं वहां हमला करूंगा। मैडम, यूरोप बिल्कुल साथ है रूस के, अमेरिका तो बहुत दूर है। मेरे यूरोपियन दोस्त कहते हैं अरे हम कहां फंस गए इसके अंदर, रूस तो पहले हमें ठोकेगा, अमेरिका को तो बाद में ठोकेगा, हम नहीं मरना चाहते, यूक्रेन गया अमृतसर के छोले खाने, ये उनका विचार है। बिल्कुल, हंगरी की तरफ से तो हमने देख भी लिया उनका एटीट्यूड, अभी से धीरे धीरे खिसकने लग गए हैं छोटे छोटे देश जिनकी सीमाएं लगती हैं यूक्रेन के साथ। इस बीच अगर हम आपसे शशांक जी समझना चाहें कि पुतिन की जो शख्सियत है, जिस तरह के पुतिन का एक हमने पूरा परसोना देखा है, उनके जो फैसले देखे हैं पिछले 24 सालों के उनके टेन्योर में, तो आपको लगता है कि पुतिन इतनी आसानी से शांति चाहते होंगे या वाकई में वो भी एक वे आउट ढूंढ रहे हैं? देखिए, ऐसा जब तक पुतिन साहब रूस में नहीं आए थे, रूस के जो खैरख्वाह थे, जो उनके टॉप लीडरशिप थी, वो अपना पैसा अधिकतर अमेरिका में और इंग्लैंड में रख रहे थे, और अमेरिका ने सोचा है कि शायद परमानेंटली लॉन्ग टर्म इसी प्रकार से रूस चलता रहेगा और हमारे दबाव में आ जाएगा, तो दोस्ती की बातें करी गई, कॉमन यूरोपियन स्पेस की बातें हुई, यूरोपियन कोऑपरेशन की बातें हुई कि सब सॉल्यूशन निकाले जाएंगे OSCE के अंडर में। लेकिन वो पुतिन साहब ऐसे निकले कि वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो देखता हूँ कि रूस जो है किसी ज़माने में ग्लोबल पावर था, और उसमें हमारे चीन, भारत और जो भी और पूरे विश्व के सब देश हैं, सब मिलजुल कर जो है सबको मिलके चलना है, और इसमें मल्टी अलाइनमेंट की जो बात भारत करता है, तो वो उसी तरह की बात उन्होंने करी है। वो यूरोप की तरफ भी देखते थे और एशिया की तरफ भी देखते थे, तो मैं समझता ये हूँ कि ये बात उनको पसंद नहीं आई है वेस्ट में, कि एक तरीके से बिल्कुल करीब करीब पहुँच गए थे रूस को नॉन एंटिटी बनाने के लिए, और सोचा था गैस पंप है, स्टेशन है, वो गैस लेते रहेंगे, वहां से तेल लेते रहेंगे, वो उसका काम करते रहेंगे। लेकिन सडनली एकदम से ऐसा आदमी वहां नेता बन के आ गया जिसने कि कहा कि नहीं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और पूरे विश्व में हम अपना वो प्रचार बना के रखेंगे। भारत के साथ में दिक्कत यह है कि हम चाहते हैं कि विश्व की सारी शक्तियां एशिया में शांति की तरफ बात करें, लेकिन जिस प्रकार से नेटो रूस को दबाने की कोशिश कर रहा है, उसे चीन ऊपर उभरता जा रहा है। चीन के बारे में कई बार नेटो ने कहा है कि नहीं, चीन को भी हम दबाना चाहते हैं, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में आप देखेंगे कितने अमेरिका के और बाकी जगहों के डिप्लोमेट्स भागे भागे गए हैं चीन में मनाने के लिए कि भाई हुथीज को मना कीजिए कि हमारे जहाजों के ऊपर हमला ना करें, अरे भाई कुछ करिए, किसी तरीके से मिडिल ईस्ट में पीस करवाइए। तो मैं समझता ये हूँ कि वो चीन को बढ़ा रहे हैं और रूस के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो भारत ये चीज नहीं चाहता है, वो चाहता है कि रूस के साथ में उनके रिश्ते मजबूत रहें जैसे हमेशा से थे, और रूस जो है चीन का एक सब्सिडरी पावर ना बन जाए। तो वो भारत की बहुत तेज इस समय डिमांड रही है, और पूरा जो कुछ भी कर सकता है भारत अवश्य करेगा इस मामले में। बिल्कुल, तो क्योंकि वो हमारे को देखना है कि एशिया में शांति होनी है और चीन और पाकिस्तान हमारे ऊपर एक टू फ्रंट वॉर ना इम्पोज करें। बिल्कुल, जो कि जिस तरीके से अमेरिका चाहता नहीं चाहता, लेकिन हो वही रहा है।